2018 में इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से इवेंट के तौर पे बढ़ते बढ़ते गया तो आज ये पंद्रह हज़ार लोगों का परिवार बन गया है जी तो इस बार ये 28 उनतीस तीस सेप्टेम्बर हैदराबाद में हो रहा है स्पेशल एक गेस्ट हैं जो अमेरिका से आ रहे हैं सिर्फ यहाँ वहाँ की टेक्नोलॉजी ले कि कैसे आप फ़ोन को एक अच्छे वे में बना सकते हैं तो उनकी वर्कशॉप इस तरीके की कैसे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं आज आप अगर किसी फ़ोन की शॉप पे जाते हैं और आपके फोन की डिस्प्ले के ऊपर का ग्लास टूट गया है और वो एक बीस तीस हजार रुपए का फोन है तो उन्हें डिस्प्ले का ग्लास एक इस तरीके के वायर से वो निकालना पड़ता है लेकिन अब इस बार उसकी एक नई टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर आई है कि आप मशीन के नीचे ग्लास रखेंगे और लेजर से उसका एक मिनट में ग्लास अलग कर देंगे पूरे देश से वहाँ अलग अलग दुकानदार आते हैं इसमें जैसे मोबाइल टूल्स वाले जो मोबाइल रिपेयर के टूल्स बेचते हैं मोबाइल एसोसरी वाले मोबाइल

उन्होंने उस इंडस्ट्री को दिया है तो आज हमारे साथ हैं जेडस मलिक सर जिन्हें मलिक सर के नाम से भी जाना जाता है सो so, नमस्कार सर कैसे हैं आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छा हूँ थैंक यू सो मच सर सो बेसिकली सर का एक इवेंट हो रहा है और इससे पहले भी आपने दिल्ली में इवेंट्स किए हैं और अब फाइनली आप, आप हैदराबाद में इवेंट लॉन्च कर रहे हैं जो कि सात सत्ताईस अट्ठाईस और उन्तीस को है सर अप्रोस अट्ठाईस उन्तीस अच्छा ओके अट्ठाईस उन्तीस तीस तारीख को है जी और सितंबर में ही और जिसका नाम है मोबी अ लाइव राइट सर जी तो बेसिकली इस इवेंट में क्या होने वाला है सर नया क्या देने वाले हैं आप आ, बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले हम बताते हैं कि मोबी अलाइव जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए इवेंट है अच्छा यानी कि उसमें कोई भी अलग इंडस्ट्री जैसे बहुत सारे एग्जीबिशन या इवेंट होते हैं कि कोई भी ऑडियंस आ सकती है ये सिर्फ और सिर्फ प्योर मोबाइल वालों के लिए जो मोबाइल से जुड़ा हुआ हो चाहे वो मोबाइल यूजर्स है या मोबाइल रिपेयर करने वाला है या मोबाइल इंडस्ट्री में कुछ भी उसका कंट्रीब्यूट है तो वही लोग इस इवेंट में आते हैं आते हैं और होने वाला क्या है कि आ, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से इवेंट के तौर पे बढ़ते बढ़ते गया तो आज ये पंद्रह हज़ार लोगों का परिवार बन गया है ग्रेट सर। जी तो इस बार ये अट्ठाईस उनतीस तीस सेप्टेम्बर हैदराबाद में हो रहा है जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने के लिए मिलेंगी जैसे वहाँ सिक्स वर्कशॉप हैं छः वर्कशॉप हैं अलग अलग स्लोट के टाइम पे, जहाँ आपको मोबाइल रिपेयर करने वाले जो हैं उन्हें कैसे इजी वे में मोबाइल रिपेयर किया जाए तो उनके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप है फिक्स की क्या जो है? एक सिमेटिक टूल है साथ ही एक आ, इंडिया का खुद का मेड इन इंडिया सिमेटिक टूल बनाया कि इंडिया ने शुरुआत की है जी जी. कि अभी तक हम लोग चाइना और इंडोनेशिया या इन जैसे देशों पर निर्भर थे डिपेंड थे तो अभी अपना एक टूल बना दिया है उसका भी प्रोडक्ट लॉन्च और वर्कशॉप है साथ है। ही साथ हमारे स्पेशल एक गेस्ट हैं जो अमेरिका से आ रहे हैं सिर्फ यहाँ वहाँ की टेक्नोलॉजी लेके कि कैसे आप फोन को एक अच्छे वे में बना सकते हैं तो उनकी वर्कशॉप इस तरीके की कैसे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं जैसे आ, मैं कहूं कि आज भी ना इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत लेट आती है exactly. अब कैसे है। आप देखते हैं हमारे आसपास जितने दुकानदार हैं वो जो फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं आज भी वो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जैसे अगर मैं एक किस्सा शेयर करूँ कि आज आप अगर किसी फ़ोन की शॉप पर जाते हैं और आपके फ़ोन की डिस्प्ले के ऊपर का ग्लास टूट गया है और वो एक बीस तीस हज़ार का फ़ोन है तो उन्हें डिस्प्ले का ग्लास एक इस तरीके के वायर से वो निकालना पड़ता है लेकिन अब इस बार उसकी एक नई टेक्नोलॉजी चाइना के अंदर आई है कि आप मशीन के नीचे ग्लास रखेंगे और लेजर से उसका एक मिनट में गिलास अलग कर देंगे ओके दैट्स ये मतलब कि वहाँ पे एफर्ट्स भी हमें कम लगाने पड़ेंगे और बहुत इजी वे में वो चीजें इजी वे में हो, हो जाएगा डैमेज नहीं होगी क्योंकि हाथ से करते टाइम कब हल्का सा हाथ हिल जाएगा कब ऊपर नीचे हो जाएगा पत्ता कट जाएगा डिस्प्ले खराब हो जाएगी तो जी इस तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको इस इवेंट में देखने के लिए मिलती हैं तो हमारे कोशिश यही रहती है हर साल जब हम इसे करते हैं कि कुछ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई इंडस्ट्री में तो वो सब तक कैसे पहुंचे अब यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से क्या होता है कि रीच नहीं हो पाते ज्यादा से ज्यादा हालांकि बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां तक रीच नहीं कर पाते लेकिन जब लोकल एरिया में या उसके आसपास के एरिया में कुछ इस तरीके का इवेंट होता है जैसे मेला है एक तरीके का कि मेला लग रहा है लोग आ रहे हैं एक दूसरे से मिल रहे और एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा चीज क्या है कि मैं आपसे कनेक्ट हूं कितने सालों से दो साल से चार साल से पांच साल से लेकिन आपसे मिलनी नहीं पाता कि आप बैठे हुए हैं नोएडा में मैं बैठा हूं, आ, हैदराबाद में या Multiple कहीं भी बिल्कुल मल्टीपल लोकेशन पे तो इससे बेनिफिट क्या हो जाता है कि हम एक दूसरे से आके वहां मिल लेते हैं तो एक ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है दूसरा इसमें हम क्या करते हैं सर स्टॉल्स वाले अब मान लीजिए जैसे आपका इंटरेक्टिव पैनल का काम है और हमारे मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले उन्हें इंटरेक्टिव चाहिए लेकिन क्या है वो दिल्ली पे भरोसा नहीं करना चाहते ठीक है कि उनके साथ क्या होगा पैसा डाल दिया तो होगा या नहीं होगा या कोई भी लेकिन क्या है आप एक बार मोबी अलाइव इवेंट में आ गए आने के बाद वो आपसे मिला अरे यार इनका स्टॉल वहाँ था क्योंकि मोबी अलाइव सिर्फ अपने ओन वेंडर्स को वहां पर लेके आता है जिनसे वो फुल्ली सेटिफाई होता है कि नहीं ये जेनवन है किसी भी ऐसे कि नहीं उसकी दुकान ही नहीं है और वो वहां आके या कोई काम ही नहीं हाँ। है या कोई वैल्यू ही नहीं है तो वहाँ पे उनकी इंट्री नहीं एंट्री ही नहीं होती है तो जब वहाँ आके आपसे वो कस्टमर मिलता है तो उसे ट्रस्ट बन जाता है कि नहीं मैं अगर इन्हें पैसा दे देता हूँ और ये मेरा माल नहीं देंगे हाँ। तो हम मोबियालाइव वालों को पकड़ सकते हैं तो बिल्कुल, एक ये सियोरिटी बन जाती है तो इसीलिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि पूरे देश से वहाँ अलग अलग दुकानदार आते हैं इसमें जैसे मोबाइल टूल्स वाले जो मोबाइल रिपेयर के टूल्स बेचते हैं मोबाइल एसोसरीज़ वाले मोबाइल फोल्डर डिस्प्ले कॉम्बो या मोबाइल स्पेयर पार्ट्स मोबाइल सॉफ्टवेयर मोबाइल हार्डवेयर जो भी मोबाइल इंडस्ट्री में चीज़ें होती हैं उन सब की वहाँ दुकानें लगती हैं तो बात? एक इंसान के पास सौ से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाते हैं कि उसे सामान कहाँ से ख़रीदना है कहाँ से अच्छे रेट पर मिल सकता है कौन किसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आई हुई हैं तो ये सब आपको इस इवेंट में देखने के लिए मिल जाता है क्या बात है सर बहुत बढ़िया और इससे ये भी हो जाता है जैसे कि आपने बताया सर कि कोई भी चीज हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं डिस्प्ले का तो, आपने एग्जांपल दिया जी जी. तो अब जिनको नहीं पता है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको जान भी लेंगे और वो इसको अगर एडॉप्ट करते हैं तो जिस मार्केट में है वो वहाँ तो पहले वो सबसे डिफरेंट दिखेंगे और इस तरीके से क्या होगा उनके पास मल्टीपल रेफरेंसेस कस्टमर्स कह सकते हैं इस तरीके से <laughs> वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग बेसिकली होंगे तो आपका भी वेलकम है इस इवेंट में और कैसे कर सकते हैं वो मैं बिल्कुल जैसा मैं एक चीज और आपको मान लीजिए हमारा एक भाई है जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है अब उसे क्या है सेकंड फोन का बिजनेस करना है आज के टाइम पे बहुत क्योंकि आप या मैं ठीक है नया खरीद सकते हैं लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो आज भी सेकेंड हैंड फ़ोन को प्रिफेयर करती है होता क्या है जो हमारा रिपेयर भाई है वो उसने कोई दुकान पे चलता हुआ उसे बेच गया या कुछ भी हो गया तो वो चोरी का निकल सकता है ठीक है कैसे वो कन्फर्म करेगा बिल फर्जी हो सकता है आधार कार्ड फर्जी हो सकता है जाद तो हम है उन टेक्नीसियनों के, के लिए क्या करते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जो ओरिजिनल वेंडर होते हैं कि अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से लाखों करोड़ों फ़ोन निकलते हैं हर साल सेकेंड हैंड कि आपने नया फ़ोन ऑर्डर किया और वो फ़ोन आपको पसंद नहीं आया तो आपने रिटर्न कर दिया तो वो रिटर्न होने के बाद नए में नहीं बिकता है वो सेकंड हैंड में बिकता है ओपन बॉक्स में या फिर आ, आपको आया आपने देखा नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा या आपने एक्सचेंज में दे दिया कि आईफोन की सेल निकली है फिफ्टीन प्रो आ रहा है जी पचास हज़ार रुपए का और मैं बीस हज़ार का मेरा ओके फ़ोन है लेकिन मैंने वो एक्सचेंज में दे दिया तो वो दिया। सब कहाँ आते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास अब अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या करता है अपने कुछ वेंडर्स को वो देता है ठीक है विद जीएसटी विद कम्पलीट तो हम क्या करते हैं उन वेंडरों को लेके आते हैं भाई आप अपनी दुकान लगाइए हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं उन्हें आप फोन बेचिए तो है। उससे क्या होता है कि जो आपको जीएसटी का बिल मिल जाएगा आपको प्रॉपर सेकंड हैंड का बिजनेस और प्रॉफिट बहुत अच्छा है बहुत। तो आपका पुलिस का लफड़ा जफड़ा ये सारी चीजें बच जाते हैं ट्रस्टेबल राइट पर्सन के पास भी चला जाता है सर ऑडियंस भी बेसिकली पे बिल्कुल 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 अब जो एक वैसे उठा के बेच रहा था जिस जिसपे भरोसा नहीं था अब आप विद जीएसटी बिल बेच रहे हैं विद एमेजोन और फ्लिपकार्ट का माल बेच रहे हैं विद Uh, बहुत कम यूज हुआ हुआ फोन बहुत अच्छे रेटों में दे रहे हैं क्योंकि जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट आपको देता है तो वो रेट बहुत ज्यादा डाउन कर देता है exactly. तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट कब होता है जब हमारे मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन भाई वहाँ इवेंट में आते हैं उन लोगों से मिलते हैं और इस तरीके का प्रोग्राम को अटेंड करते हैं साथ ही साथ वहाँ जैसे अभी मशीन की बात बताई तो हमने वो मशीन वहाँ सिर्फ देखने को नहीं आपको चलाने को भी मिलती है अच्छा। कि उनके ए, एक तरीके से एक्सपीरियंस सेंटर होते हैं जैसे हमारा बेंच पैनल है कि अभी जो भी देखने वो तो के लिए नहीं। मिल जाएगा क्या स्मूथनेस है एयर गैप है या नहीं है कैसा जीरो बाउंडिंग है या नहीं है तो ये सारी चीजें वो फील कर लेता है जब किसी चीज को फील करते हैं तो अलग ही पता चल जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है और बेसिकली वहाँ पे डिसीजन ले राइट बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और ये कैसे मतलब आइडिया कैसे है मतलब तो हाँ? बिल्कुल बिल्कुल मैं तो एक्चुअली क्या है लास्ट ईयर से जुड़ा हूँ ये 2018 में परविंदर जी और ताजिंदर जी इसके को फाउंडर हैं उन्होंने जैसे अब मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग मल्टीपल लोकेशन पर रहते हैं मेरी आपसे बात होती है लेकिन कभी मिल नहीं पाते तो ऐसी वो लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे सोचा यार एक मीटअप करते हैं चल तू आ जा हाँ ठीक है कहाँ आना यार हैदराबाद आ जा तो ऐसी बात पे चार लोगों थे कॉन्फ्रेंस पे चारों की बात हुई उसने कहा यार मैं जा रहा हूँ तो साथ में मेरे भैया थे वो बोले मैं भी चलूंगा उनके भैया थे वो भी बोले मैं चलूँगा उनका फ्रेंड था वो बोले ऐसे करते करते तीन सौ लोगों की एक गैदरिंग रखी थी लेकिन उसमें तीन लोग क्या आ गए शुरू में और वहाँ हमने कहा कि नहीं यार जब तीन हज़ार पैंतीस सौ लोग आ रहे हैं तो इन्हें बेनिफिट भी होना चाहिए क्योंकि हम लोग मिलने का एक मीटअप कर रहे थे कि कैसे इन्हें फायदा हो कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ कुछ दुकानें और लगवा दें ताकि वो कुछ ख़रीदारी भी कर सकें उन्हें फ़ायदा हो जाएगा और रेटों का भी अच्छा हो जाएगा तो हमने वो किया वो हिट हो गया कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि तीन पाँच लोग आएंगे पैंतीस लोग आ गए और उससे जो स्टॉल वाले थे उन्हें धंधा बहुत अच्छा मिला कि उनके बहुत सुपर बॉर्डर मिले ही ही ही। उसके बाद हमने देखा तो चार पाँच साल फिर कोरोना का आ गया तो हम नहीं कर पाए 2022 में फिर इन दो भाइयों ने किया तो उसमें सबसे पहला एग्जीबिटर मैं ही था क्या बात है सर पहले 18 में विजिटर था सेकंड में एग्जीबिटर था अब जैसे ही एग्जिबिटर हुआ हमने खूब मेहनत की ये वो तो उस बार हमारा थी पैंतीस तो आए थे अब के लोग तो आई जाएंगे तो वो आठ से दस लोग वहाँ आ गए और खूब अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमने कहा यार इतना लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो इस बार तो दिल्ली करना चाहिए अब दो में हमने लास्ट ईयर दिल्ली रख दिया और वहाँ नेक्स्ट लेवल तो तो नेक्स्ट लेवल सारी चीज़ें कि आई इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल बनाया जिसमें हमने ही उसका फर्स्ट इवेंट किया है वो सारी चीज़ें तो वहाँ बहुत अच्छा रहा अब उसी चीज़ को देखते हुए कि अब इस बार और क्या किया जाए तो हमने क्या किया इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार हमारी एक वर्कशॉप थी इस बार हमने छह वर्कशॉप कर दी कि नहीं देश से नहीं विदेश से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे क्या लेटेस्ट आ रहा है वो यहाँ आके बता के जाओ भाई तुम हमारे लोगों को सिखा के जाओ ताकि हम भी फास्ट हो सके उसके साथ साथ हमने क्या किया इस बार सी का एक कॉम्पिटिशन रख दिया कि अब हम वहाँ एक प्राइज़ मनी रखें कि पचास ये वो कि जो सबसे फास्टेट टाइम में सी बना देगा वो इसका क्या बात लेके जाएगा तो इस तरीके के हम वहाँ एक्टिविटी इस बार कर रहे हैं मतलब हर साल कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं कि ताकि लोगों को जो हमारी ऑडियंस आ रही है उसे वहाँ बेनिफिट मिलना ही चाहिए exactly. और वहाँ पर थोड़ा सा वो इंटरेस्टेड भी रहे बोर मतलब राइट right, राइट right, वो पूरा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम वहाँ रहते हैं हर चीज़ का मतलब खास तौर पर सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं और सबसे बड़ी बात कि इसकी फीस भी हम फोर्टी और वन फोर्टी नाइन रुपीज रखें फोर्टी नाइन और वन फोर्टी नाइन यानी कि फोर्टी नाइन उनके लिए कि जो विजिट करने आ रहे हैं एक्चुअली होता क्या है फीस हम फ्री भी कर सकते हैं रीजन क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि पहले में हमने प, तीन सौ सो लोग सोचे पैंतीस सौ सो लोग आ गए दूसरे में हमने पाँच हजार सोचे आठ से दस हजार लोग आ गए दूसरे में हमने दस हजार सोचे पच्चीस हजार लोग आ गए होता क्या है कि आपके पास आप एक शादी करने जाओ पाँच सौ लोगों का एक प्रोग्राम करो उसमें सौ लोग दो सौ लोग बढ़ जाए तो आप प्लेट से मैनेज कर सकते हो लेकिन अगर उसमें डबल हो जाए क्या मैनेजेबल है सिस्टम फेली हो जाएगा सारी चीजें तो हम रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता चल सके कितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से हमें अरेंजमेंट करने होते हैं और दूसरी चीज ये भी हो जाती है सर कि अगर एक अमाउंट हम देखे करते हैं तो उसके होता है ना वैलिड यार हाँ आ, है बिल्कुल, है तो बिल्कुल, बिल्कुल तो राइट राइट दूसरी चीज वैलिड पर्सन हमारे पास आएंगे बिल्कुल बिल्कुल और इसीलिए आप देखिए कई बार होता है कि लोग कहते हैं यार पंद्रह हजार लोग क्योंकि जो बड़े एग्जीबिशन करते हैं जो भीड़ वाले एग्जीबिशन तो हमारी जो है प्रॉपर ऑडियंस है कि सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री की हम इंटरटेन नहीं करते ऐसे तो हम एक भाषण देने के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं राइट ठीक है कि आ जाइए सबके लिए ओपन कर देंगे लेकिन हमारा मोटिव जो है वो

फोर्टी नाइन क्यों टिकट दो नहीं आप 49 आप लीजिए सिर्फ स्टॉल देखिए exactly. क्या टेक्नोलॉजी नहीं है हाँ. आप, आप उस, उस चीज का जब आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप वहाँ क्या बैठ के क्या सीख जाएंगे के? वो सिर्फ उनके लिए हजार से दो हजार लोग सिर्फ उस हॉल में वही बैठेंगे जिसको उसकी नीड है, है ताकि सही सही चीज ऑडियंस तक पहुंच सके बहुत तो ये अपना प्लान रहता है बाकी मोबिया लाइव डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है लोग वहां से टिकट अपनी बुक कर लेते हैं और सारी डिटेल्स हमने कहा इवेंट किए क्या हमारा प्लान है कैसे हमारा रन करते हैं वो सारी

क्या आपके पास आज नोकिया का फोन है नहीं आपके ऑफिस में जितने लोग हैं उनके पास नोकिया का फोन है रीजन एक टाइम वो था सबके पास नोकिया हाँ। था क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को एडोप्ट नहीं, नहीं किया, किया था ठीक है समय रहते वो जब एंड्रॉयड आया था वो तो अगर उसे एडोप कर लेता तो आज वो हम सब के बीच में होता तो हमें क्या है हमें अपडेट पर डे होना है हम जब तक टेक्नोलॉजी जो आ रही है अगर उसे अडोप्ट नहीं करेंगे अच्छे हथियार अच्छे टूल्स अपने पास नहीं रखेंगे तो कैसे हम अच्छा काम कर पाएंगे फिर तो जो एक कहते हैं ना कि ठीक है टाइम को धक्का देने वाली बात है तो वो कर सकते हैं लेकिन अगर आपको सही तरीके से काम करना है वो कब कर सकते हैं जब आपके पास सही टूल्स होंगे सही हथियार होंगे सही गाइडेंस होगी सही प्रॉपर वे पता होगा उसे काम को करने का तो ये सारी चीजें हम उधर लेके आते हैं कि आप आइए और इसका बेनिफिट उठाइए ये आपके लिए है सिर्फ तो ये सारे गाइडेंस समझिए ये चीज़ को आपको समझना चाहिए कि अगर आपको एक्सपर्ट गाइड गाइडेंस दे रहे हैं तो ये आपके लिए बेटर है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपग्रेड हो सकते हैं यही टाइम है अपग्रेड होने का होने का बेसिकली तो अपग्रेड होइए

साथ ही साथ वहाँ जो मैंने सिमेटिक टूल बताए वो प्राग्मा फिक्स हो उसका फ्री है अनलिमिटेड लाइफ टाइम कि जब तक वो जिएगा तब तक उसका प्राग्मा फिक्स फ्री चलेगा जिसकी कॉस्ट दो हज़ार रुपये पर साल की आती है अच्छा ठीक है उसके अलावा एक मोक्सी है उसका भी दो तीन हज़ार साल का आता है उसका भी छः महीने फ्री है एक वुकजिन जी है वो फ्री है प्लस जिनझिन झाओ है वो फ्री है और ऐसे डिस्काउंट ऑफर जो हमारे स्टॉल वाले आ रहे हैं वो आते हैं ला गिफ्ट लेते हैं जैसे हम बहुत सारे गिफ्ट बांटने जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें वहां मिलती हैं तो यानी कि वो फोर्टी और वन अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है उसकी जगह आपको पचास गुना एक्स्ट्रा मिल जाता है ठीक है वो सारी चीजें आपकी वहां कवर हो जाती है लेकिन क्या है सिर्फ मैनेजमेंट फेल management. ना हो इसीलिए आपका रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते हैं exactly. तो कभी और एक सर जरूरी भी है सर बिल्कुल सारी चीजें अगर फ्री में मिल रही है तो भाई मैं क्यों लू बिल्कुल भाई फ्री क्यों दे रहे हैं है? मैटर तो ये करता है ना सर तो ये अमाउंट लेना जरूरी है उससे वेलिडेशन आप कर पाते हैं चीजों डेटा का वेलिडेशन जैसे आपने बताया बिल्कुल बहुत जरूरी है और बहुत बढ़िया लगा सर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वहाँ पे <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बेंचमार्क की पूरी टीम <laughs> आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी बेंचमार्क भी जो नई नई प्रोडक्ट हैं नई नई टेक्नोलॉजी है क्योंकि मोबाइल इंडस्ट्री सर अनऑर्गनाइज सेक्टर है और वहाँ अभी तक इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोग वो घर से नहीं निकलते हैं ठीक है तो जब बेंचमार्क जैसी कंपनी वहां आती है वो बताती है देखो अभी तक आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो ना अब इंटरेक्टिव बोर्ड आ गया है हाँ। अब एआई वाला बोर्ड आ गया है अभी इसमें आप ऐसे कर सकते हैं इसमें ये कर सकते हैं ये इजी हो गया आप गूगल से उठाइए ये कर लीजिए तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारे लोगों को मिल रही है तो इसलिए तो मैं स्पेशल धन्यवाद भी दूंगा बेंचमार्क को उनकी टीम को और आपको भी खासतौर पर आप भी ये नॉलेज जो है अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं ताकि इससे लोगों का बेनिफिट हो सके एक कड़ पे भी जो छोटी सी मोबाइल की दुकान खोले बैठा है तो वो आके एटलीस्ट वहाँ यही देख ले कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां उसे सीखना चाहिए आज भी सर अस्सी परसेंट लोग फोन पे पानी में गिरने के बाद सिर्फ हीट मार के वापस दे देते हैं ठीक हाँ। है उसे अच्छा करने से ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर वे नहीं पता है जबकि मैं आपको ये बताऊँ कि अभी तक कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो बनाया ना जा सके लास्ट एंड अच्छा मतलब फोन की कोई डेथ ही नहीं है फोन में क्या होता है डिस्प्ले होती है आपकी डिस्प्ले खराब होगी चेंज हो जाएगी फोन में मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड को आप लास्ट टाइम तक ट्रेस कर सकते हैं अगर लास्ट टाइम तक भी वो नहीं होता आपका सीपीयू या एमएमसी मतलब दिल का इधर से इधर ट्रांसप्लेंट कर सकते हैं यानी कि फोन में मरने जैसा कुछ है ही नहीं जो लोग कह देते हैं ना ये डेड हो गया इसका कुछ हो नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है अब ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलती है जब आप अच्छे टेक्नीसियन है

राइट तो ये बहुत अच्छी बात है सर और बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपका भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आप इतना आपने अपना वैल्यूएबल टाइम नहीं, दिया नहीं थैंक यू सो मच फॉर आपका कि आपने आ, अपना भी समय दिया और ये जानकारी ऑडियंस तक दी धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू